नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम जो सीलिंग में जो कंसील लाइट है वो कैसे रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सीलिंग लाइट है और ये पॉलीकैप कंपनी की लाइट है और अगर हम इसकी वाटेज की बात करें तो ये 5 वाट की लाइट है जो कि बहुत ही अच्छी लाइट है और 5 वाट में भी काफ़ी रोशनी देती है। तो आइए हम इसको लाइट को खोलते हैं। ये देखिए ये जो लाइट है कूल डे लाइट और व्हाइट कलर की इसमें रोशनी आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो चौक है या जो इसका SMPS होता है उसमें इनबिल्ट होता है और ये जो लाइट है 2 ईयर की वारंटी के साथ आती है। मतलब 3 से 4 साल अगर आप सही तरीके से इस लाइट को यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी चलती है, एक बहुत ही किफ़ायती लाइट है। और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो ये मात्र 160 रुपये की लाइट है जो कि एक रिजनेबल प्राइस पर एक ब्रांडेड कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आइए दोस्तों इस लाइट को हम रिप्लेस करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये लाइट हमने यहाँ पे लगानी है, ये इसका एक सीलिंग का पॉइंट है। तो ये न्यूट्रल की वायर है और ये फेस की वायर है तो हम इस लाइट को इस पर आराम से जो है कनेक्ट करेंगे। लाइट लगाने से पहले ये प्रॉपर पूरे होल होने चाहिए और इसमें लाइट जो है आराम से अंदर घुसनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लाइट को इसको कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसका मेन स्विच पीछे से ऑफ कर लेंगे ताकि किसी तरह का इसमें कोई करंट ना लगे और हम इस फेस वायर को यहाँ पे इसके साथ ट्विस्ट कर देंगे और इसके बाद इसके न्यूट्रल वायर को इसके न्यूट्रल वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे और इसको पहले हम फ्लास से जो है अच्छी तरह से इसे ट्विस्ट करेंगे। किसी तरह की लूज वायरिंग नहीं होनी चाहिए अदरवाइज शॉर्ट सर्किट से लाइट आपकी खराब हो सकती है। तो आपको इसको फ्लास से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक PVC टेप लगाएंगे, टेप से हम इसके अच्छी तरह से कनेक्शन कर देंगे, मतलब इस पर अच्छी तरह से टैपिंग कर देंगे ताकि इसमें वायरें आपस में शॉर्ट ना हो। और दूसरी तरफ इसमें लगा देंगे, अच्छी तरह से हम इसे टेप कर देंगे। टेप अच्छी तरह से होनी चाहिए और इसकी वायर जो है अच्छी तरह से ट्विस्ट होनी चाहिए। अब हम इस लाइट को अंदर फिक्स करेंगे, ये वायर को अंदर कर देंगे। देखिए इस लाइट में 2 स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग को ऐसे ऊपर करके आपने सीधा इजीली अंदर पहुंचाना है इसे और ऐसे लाइट आराम से फिक्स हो जाएगी। और अब हम इस लाइट को ऑन करेंगे। तो अब हम देखिए इस लाइट को ऑन करेंगे, अब देखिए लाइट पूरी तरह से ऑन हो चुकी है। तो आप इस लाइट को बदलते समय सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले आपका पीछे से स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर आप वायर आपस में कनेक्ट करेंगे तो अच्छी तरह से ट्विस्ट होनी चाहिए, उसे टेपिंग होनी चाहिए और अच्छी तरह से लाइट को आप इसके स्प्रिंग को ऊपर करके लाइट सेट कर। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी लाइट को रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वीडियो थी, हो सकता है इसके बारे में आपको पता हो और जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ही काम की वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।